दादू 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 इज चेजिंग आरिया। देखो जी नेल्सन रोड पे ये अपार्टमेंट्स हैं, बहुत ही अच्छे। 11 साल पहले जो दोस्त आए हैं गुरुद्वारा ऑलरेडी सी। हाँ। तो जी हमने सोचा हम आपको आज दिखाएं यहाँ के अच्छी लोकेशंस जहाँ पे आप रह सकते हैं। विलो ग्रोव, एवरग्रीन। हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। हम जा रहे हैं गुरुद्वारा साहब एंड नेहा जी इधर बना रही है छोले। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सब? गुरुद्वारे के पास में ना बहुत ही अच्छे अपार्टमेंट्स वगैरह हैं। विल टेक यू अलोंग एंड शो यू। तो आके आइया, बाहर खेल रही है अपनी फ्रेंड के साथ, आइया को बुलाते हैं एंड चलते हैं एंड देन आपको दिखाएंगे गुरुद्वारा साहब एंड द एरिया अराउंड एंड आके एक रोटी खाएंगे। टाइम है अभी 3:30 दोपहर के। चले नेहा जी, आर यू रेडी? गैस वगैरह बंद है नेहा? गैस बंद है जी, बिल्कुल। पैटियो डोर बंद कर दे। इसकी छल्ली ले चल हाथ में, हमने अभी मैं तब तक छल्ली छीन ले, मैं आइया को बुलाता हूँ। तो आइया की छल्ली बनाई थी वही अपना सोक करके वाटर में पड़ी, हमने अपनी अपनी गाली है और आइया की रह गई है क्योंकि आइया तो है जी बड़ी व्यस्त। बुलाते हैं आइया को एंड देन वी विल गो। ओके नेहा, मैं तेरे को नीचे मिलता हूँ फिर। आइया, मौसम बहुत अच्छा है जी आज ना, आज टेम्परेचर है अराउंड 18। चल चले फटाफट। आर यू रेडी फॉर गुरुद्वारा साहब? नहीं, जल्दी तो मम्मा छल्ली लेके आ रही है, कार में खा लेना फिर। हाँ, ठीक है, ठीक है, जा फटाफट, ये जैकेट दे जा। ओके, जल्दी आइयो। किस में जाना है? सीआरबी में। लवली। ओके, फिर भाग गई है और कहती है कि आप आ जाओ बाहर, गाड़ी निकालो एंड तब मैं आ जाऊंगी, छल्ली नेहा ले आएगी। तो जी मैंने तो गाड़ी निकाल ली है, बस वेट कर रहा हूँ इनकी। आरिया सामने खड़ी है, नेहा अभी अंदर से आ रही है। आ गया ये मेन डोर बंद है? मेन डोर मैंने बंद कर दिया सर। ठीक है। क्या हुआ आइस को? आइए नेहा जी, आपका आपका कौन ऑन द कॉब? ये लो, बैठ गई हो आप? पहले बैठ जाओ, देन आई विल गिव यू टू ईट। मैं पहले क्या खाऊं, मुझे तो भूख भी लग रही है। कौन है? चिप्स हैं। तो पहले खेलता रहता है, पहले खेलता रहता है फिर कहता भूख लग रही है। तीन बार जल्दी चिप्स पहले। नहीं पहले ये खा ले, ठंडे हो जाएंगे। हाँ पहले कौन खा ले? ओके। ये लो स्पून। गाड़ी ना गंदी करी हो, टिश्यू है? ओके, आई कैंट रीच इट बट आई डू हैव। मन्ने को बोल दो हम निकल पड़े हैं। चले जी चल पड़े हैं। आइया कौन मीठा है? आइया खा रही है कौन? आइया को मैंने छल्ली से वो निकाल दिए सारे कॉर्न के दाने, है ना? आइया खा रही है क्योंकि आइया के आ रहे हैं टूथ, और आइया के टूथ में आइया को खुद नहीं क्रंच करके खाना। सो मम्मा की लाडो अब खा रही है एंड हम चल पड़े हैं गुरुद्वारा साहब के लिए एंड मौसम बहुत सुहाना है एज यूजुअल गाइस एंड वी विल गो। एंड आपको वैक्सीन के बारे में बता दें, कल हमने वैक्सीन ली थी एंड माय आर्म इज अ लिटिल सोर एंड आई थिंक योर्स टू, राइट? यस दैट्स राइट। तो वो हल्की सी जैसे नीडल की होती है हल्की दर्द, वो ही है फिलहाल। एंड आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड एवरीबॉडी टू हैव योर वैक्सीन। एंड मास्क लेके आए हो अपने? मास्क हां है, आईया का है पड़ा हुआ इसका। ओके, तो तो गाइस डू हैव योर वैक्सीन एएसएपी so you guys can meet your loved ones and hug them and be with them again and there's a potential that every and things will go normal very soon. koi pooch raha tha ki ab teri watch kaun si hai wo bata de log keh rahe the tum watches kaun si pehante ho main to bahut mehki watch pehanta hu please mere to baat hi poocho to acha hai ye to bahut zyada matlab branded cheeze guys jokes apart we are not people who will want to wear any kind of brand or any kind of you know top notch stuff. Hum bahut economical cheeze lete hain and durable cheeze. Hamari watch meri watch to normal hai, ye to smart watch nahi hai, but when I wear smart watch it is a normal $50 watch from Amazon. If somebody wants I can tell them the link. But any watch you can buy, I don't wear any ब्रांडेड स्मार्ट वॉच जो सैमसंग या एप्पल वगैरह की होती हैं। मेरी वॉच के बारे में बहुत पूछ रहा हूँ। मेरी वॉच, मैं स्मार्ट वॉच नहीं पहनता। जैसे कि आपको पता चल गया होगा, आई एम नॉट दैट स्मार्ट, आई डोंट लाइक स्मार्ट स्टफ। सो देयर इज स्मार्ट,
स्मार्ट वॉच के मैं सख्त खिलाफ हूँ। तो मैं क्योंकि एक तो जी फोन चार्ज करो, लैपटॉप चार्ज करो, स्मार्ट वॉच भी चार्ज करो, उसके बाद हाथ हिला हिला के देखो टाइम, ये मेरा काम नहीं है। नहीं अब तो हाथ हिलाने की भी जरूरत नहीं है, अब तो बहुत अच्छी वॉचेस आ गई हैं जिनमें हाथ नहीं हिलाना पड़ता। या अभी जो इसने पहनी हुई है वो नॉर्मल डिजिटल वॉच है, बहुत सिंपल सी, ये ऐसी वॉच है, ये डिजिटल वॉच है, $25 की ओनली फ्रॉम अमेज़न, और ये ब्रेक नहीं होती, इसकी लाइफ टाइम बैटरी ऐसी है। हाँ। तो ये बहुत लाइट है, मेरे को भारी वॉच पहनने का नहीं शौक, एक वॉच मेरे पास अच्छी जरूर है जो मैं बाहर कभी पहनता हूँ, कभी कुछ खास दिन होता है तो पता चले। आई डोंट इन्वेस्ट, वो फॉसिल की वॉच है एंड दैट इज लाइक $80 व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन कैबेलास, आई यूज्ड टू गेट स्टाफ डिस्काउंट, तो वो $130 समथिंग की थी, आई गॉट इट फॉर $80, सो आई बॉट हिम दैट, वो भी जबरदस्ती एक दिन सेल पे थी, आई गॉट इट एंड ही नेवर न्यू अबाउट इट, तो दैट इज द ओनली टू वॉचेज ही हैज, आई हैव कपल ऑफ दीज वॉचेज जो नॉर्मल वॉचेज हैं या फिर एक स्मार्ट वॉच है, विच इज आई हैव स्टार्टेड वेयरिंग इट वेरी रिसेंटली फ्यू मंथ्स अगो because I wanted to keep a track of my step. इसकी बात ना सुनना, सारे steps झूठ हैं इसमें, मैं ये कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है, तो I am very very satisfied and happy with that. मैं अपने आप अपनी वॉच चार्ज कर लेती हूँ, उसमें कोई टेंशन नहीं है, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। तो जी हमने सोचा हम आपको आज दिखाएं यहाँ के अच्छी लोकेशंस जहाँ पे आप रह सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द गुड लोकेशंस, ब्रांड न्यू लोकेशन, दैट्स कॉल्ड एस्पन रिज। अगर आप मेरे पीछे देखें ये सारे नए घर है, नई कंस्ट्रक्शन है पूरी, ये एरिया पूरा नया डेवलप्ड हो रहा है। इधर आप घर अगर बाय करना चाहते हैं तो बाय करें, ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन प्लेस, ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव। बट वट आई वुड सजेस्ट इज ऑलवेज सी कि घर से आपके बस स्टॉप कितना दूर है, अगर आप क्योंकि आप जब नए आएंगे आपके पास ड्राइवर लाइसेंस नहीं होगा, यू विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन सास्कातून ट्रांजिट विच इज द बसेज हेयर, सो मेक श्योर बसेज आपकी रीच में हो, स्कूल्स नज़दीक हो। तो ये न्यू एरिया इज कॉल्ड एस्पन रिज, आई विल टेक यू अराउंड एंड शो यू। ये देखो गाइज ये बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है फिलहाल। कैसे बनते हैं जी घर, पूरा वुड कंस्ट्रक्शन, पीछे कॉन्क्रीट से पहले बेसमेंट से ऊपर का कॉन्क्रीट होता है, देन ऑल इज लंबर वुड। बहुत सुंदर सुंदर घर हैं, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखो कम्युनिटी के बीचों बीच पार्क है बच्चों के खेलने वगैरह के लिए, एंड सामने अगर आप दूर देखे तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह भी है यहाँ, वो देखो गाइस। ये जो है ना यहाँ पे बस की थोड़ी सी इश्यू जरूर हो सकता है क्योंकि मैंने बस स्टॉप नहीं देखा है यहाँ। वैसे रेसिडेंशियल एरिया काफी हद तक डेवलप हो रहा है और हो भी गया है। हाँ। हमारी कम्युनिटी बहुत है यहाँ पे, पार्क्स हैं, स्कूल भी है। हाँ। सब कुछ है, बट ऑब्वियसली अगर आपकी जॉब्स इज ऑन दी अदर साइड एंड यू डोंट नो राइट नाउ इफ यू आर नॉट ड्राइविंग, तब दिक्कत हो सकती है। ये अभी बन रहा है, अभी डॉलरामा शुरू हो गया और भी कई सारी जेक फॉर लीज है। हाँ। तो मोस्टली यहाँ पे जो है रेस्टोरेंट्स वगैरह खुल जाएंगे बड़ी जल्दी, एंड ये लोकेशन जो है ये गुरुद्वारे के काफी पास है। और ये सारे साथ साथ हैं, विलो ग्रोव, एवरग्रीन, एंड देन आपका एस्पन रिज, ब्राइटन है थोड़ा आगे जाके, तो ये सब ब्रांड न्यू लोकेशंस हैं, बहुत अच्छी हैं। कई लोगों को जैसे प्रेफर करते हैं आप लोग ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन लेना, नए घर लेना, तो वो नए घर के एरियाज हैं ये। हम लोग गुरुद्वारे जा रहे हैं रस्ते में, तो ये देखो ये आता है पड़ता है, और विलो ग्रोव आता है रस्ते में, विलो ग्रोव में ही गुरुद्वारा है, विलो ग्रोव एरिया में ही। ये है एवरग्रीन एंड अदर, this is another newest area, so these are all these areas are on the east and they are very closely connected to each other, Aspen Ridge, Evergreen, Willow Grove, and then humne jahan gurudware jana hai that is on Nelson Road and Low Road ke bilkul intersection pe, the best thing about that area is abhi aapko dikhayenge thodi der mein, wahan pe apartments bahut achhi hain, बहुत ही अच्छे सेक्लूडेड, अंदर बहुत अच्छे तरीके से वेल मेंटेन्ड, इट्स नॉट लाइक यू आर गेटिंग एनी इश्यूज इन टर्म्स ऑफ क्लीनिनेस या सेफ्टी या फिर कोई शोर शराबे वाली जगह हो, नहीं, इट इज वेरी वेल मेंटेन्ड एंड बहुत अच्छे, आई वुड से दे आर वन ऑफ दोस टॉप नॉच कॉन्डोस, बहुत अच्छे।
एंड खरीदना भी हो तो कोई ज्यादा प्राइसेस नहीं है वहाँ पे। कॉन्डोस तो अराउंड 2 lakh to 200,000. व्हेन आई सेड 200,000 लास्ट टाइम समबडी सेड रुपीस, इट्स व्हाटएवर आई टॉक नंबर में इट्स नॉट रुपीस गाइस, आई एम सेइंग इट, आई एम रेफरिंग टू CAD यार है CAD. 2-3 lakh में आराम से कॉन्डो वगैरह आ जाता है, अच्छे कॉन्डो है, बहुत अच्छे न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, 2 bedroom 3 bedroom. और दैट्स ऑन नेल्सन रोड, नेल्सन एंड लो रोड, तो भी दिखाते हैं अभी आपको नेक्स्ट वहीं जा रहे हैं। बहुत वेल वर्स्ड है पब्लिक ट्रांसिट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्सेसिबिलिटी हमारे सामने बने हैं ये सारे एरियाज गाइस। इतना मतलब पहले हम जब आते थे तो एक बस आती थी एंड कोई शॉपिंग प्लाजा वगैरह नहीं होता था लोकल, अब वहाँ पे जो आबादी हो गई है इतना वसु हो गई है, बहुत अच्छा हो गया है, तो आप अभी देखना। अब दिस एरिया द वन दैट वी आर एंटरिंग राइट नाउ इज विलो ग्रोव, आप आसपास देख रहे हैं घर फर्स्ट क्लास ब्रांड न्यू, अच्छा एरिया बहुत ही, हमारे सामने सब सब डेवलप हुआ है विलो ग्रोव वगैरह। ये सैस्केटून के अच्छे पॉश एरियाज में से आता है, इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ हाउस और रेंटिंग अ बेसमेंट और व्हाटएवर, आई मीन इट्स अ गुड लोकेशन टू लिव, देर आर स्कूल्स नियर बाय, और विलो ग्रोव में वैसे है सब कुछ है, आप एमिनिटीज की अगर बात करें तो यहाँ सब कुछ मिलेगा आपको, तो ग्रोसरी स्टोर इंडिपेंडेंट भी है और आपका जी 8th Street काफी एक्सेसिबल है यहाँ से, तो देर इज नथिंग टू वरी अबाउट, एवरीथिंग इज नियर बाय। एंड ये देखिए जी फिटनेस सेंटर है, मोशन फिटनेस, देखो जी नेल्सन रोड पे ये अपार्टमेंट्स है, बहुत ही अच्छे। अगर आप अपार्टमेंट में रहना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो ये है लोकेशन रहने की, इट्स ऑन नेल्सन एंड लो, इट्स राइट एट द इंटरसेक्शन ऑफ नेल्सन रोड एंड लो रोड, और गुरुद्वारा बिल्कुल साइड पे पास में गुरुद्वारा है। दादी आ गई, सत श्री अकाल दादी। आर यू रेडी? मास्क हो गया, मास्क नया जी, चहल मनु जी। ये देख लो जी गुरुद्वारे के बिल्कुल साथ पीछे सारी अपार्टमेंट्स वगैरह हैं। ये देखो पीछे अपार्टमेंट, इतने साइड तक गुरुद्वारा, ब्यूटीफुल लोकेशन इफ यू वांट टू रेंट एन अपार्टमेंट। सानू कभी गुरुद्वारे दे नाल नहीं कर मिलिया, वैसे बड़ी मेरी तमन्ना है कि गुरुद्वारे दे नाल बंदा रहे, रोज मथा टेके। हां रोज मथा टेके। आपको डेढ़ सौ दे, डेढ़ दे रहे हैं। थोड़ा सा दूँ? आइए ले लेंगे। सच्ची काल जी। और जी यहाँ पे ना जो सर्विसेज होती है ना अपनी कम्युनिटी की, उसके सारे एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है, देखो पीपल आर हायरिंग, रूम अवेलेबल फॉर रेंट, देयर आर कपल जॉब्स अवेलेबल हियर, ट्रेनिंग्स हैं और नोटिसेज हैं, जैसे ये देखिए वो अपार्टमेंट अवेलेबल है रेंट पे एवरग्रीन पे। सो ऑल यू गॉट टू डू इज टेक द वन, टेक टियर दिस अपार्ट, टेक इट एंड फोन देम। हमने गुरुद्वारे मथा टेक लिया है एंड अब हम मस्ती मार रहे हैं, यहाँ पे इतना बड़ा ग्राउंड है अल्शो, ये देखो वो वहाँ पे चर्च है, बट इट इज सच अ नाइस मैसिव ग्राउंड, ये देखो बहुत मस्ती हो रही है, ये देखो। आया, why are you sitting like this? चलो चले अब। आया क्या कर रही है? ये बस यही कह रहे थे रोटी खानी, घर जाके लेट हो रहा है, 4:48 हो गए हैं। अभी रोटी का टाइम थोड़ी हुआ है, पाठ करेंगे और फिर रोटी खाएंगे, पाठ तो रास्ते भी हो गए। आया क्या कर रहे हो आप, व्हाट आर यू डूइंग? आया कह रही है घर नहीं जाना। आया कब कह दिया? आया जहाँ जाती है वहीं रहना है, आया को नहीं आना घर। दादू इज चेजिंग आइया, दादू ने कभी पकड़ना ही नहीं आइया को। मम्मी को बता रहा हूँ कि हम लोग पहली बार सैस्केटून में आए थे, दूसरा चौथा दिन था, बस पे आए थे यहाँ, उतरे थी बस स्टेशन पे, और उस दिन हमें एक डीक और आंटी मिली थी, डीक और आंटी मिली थी, उन्होंने सानू सारा समझाया, फिर असि गुरुद्वारे उधर पैदल अंदर गुरुद्वारे पड़े, अंदर गुरुद्वारे जाके असि लोगों नु क्या कोई जॉब वॉब मिल जाए, जिनके बड़े सारे सब्वे थे, तो उन्होंने बोला सब्वे रख लांगे तुहानू, चलो ठीक है। मतलब उस वेले फिर असि इथे पता लगा कि इथे सैटरडे शामी सुखमनी साहब का पाठ होएगा, फिर असि फिर आ गए पाठ ते, सैटरडे शामी सुखमनी
क्योंकि ये वाला गुरुद्वारा साहब की एक्सेसिबिलिटी थी पब्लिक ट्रांजिट से, लेकिन जो दूसरे वाले हाँ वो गुरुद्वारा तो 2012 में बना, हाँ वो बाद में बना था, जो वेस्ट साइड पे है, जो वेस्ट साइड पे है वही पहले बड़ा छोटा जी हाँ हाँ बस आगे, लेकिन वो गुरुद्वारा बाद च बने बाद च बने, सब तो पुराना सी जो आए सी, आज 11 साल पहले जो आए हैं गुरुद्वारा ऑलरेडी सी, हुन तो पॉपुलेशन बहुत वाड़ी हुन तो छोटा पेंदा है गुरुद्वारा, होना छोटा पै गया, अब मुझे याद आता है कोई प्रोग्राम होता है उसी ना हॉल छोटा पै जांदा है, मेरे को याद आता है मैं वो वाले कॉन्डो में जाती थी, मेरी पार्लर वाली थी एक जो आईब्रो करती थी मेरी गाइस, एक पार्लर वाली थी यहाँ पे जो मुझे मिली थी, बड़ी मुश्किल से किसी ने रेफर करा था, वो भी वो प्रोफेशनली नहीं करती थी, वो सिर्फ आउट ऑफ शौक कभी कभार घर से करती थी काम, हाँ तो ये वाले कॉन्डो में होता था, तो मैं अपने आप आती थी बस में, अब तो गली कुछ है, अब तो हर गली गली में है मम्मी, हर मॉल में जहाँ मर्जी हर जगह है, हर जगह है। तो जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुलाटी फैमिली साइनिंग ऑफ फ्रॉम सास्कटून ईस्ट साइड विलो ग्रोव नेल्सन रोड एरिया, ज्यादा डिटेल बता दी मैंने तो जी आई बाय, ओके इफ यू लाइक इट गिव इट अ बिग थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स, डोंट बस आई भूल गई, ओके गाइस बाय, थैंक यू सो मच, बाय गाइस।